हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी वाइस प्रोग्राम। मेरा नाम है आकाश गुप्ता। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल है 1 अगस्त 2023 और कल होने वाला है वो सभी सीयूटी यूजी 2023 वाले बच्चों के लिए वो इंपॉर्टेंट दिन जब दिल्ली यूनिवर्सिटी जारी करेगी अपनी फर्स्ट एलोकेशन लिस्ट। कैसे पता चलेगा कि आपको सीट मिली है या नहीं? आपको जाना है अपने पोर्टल पर, लॉगिन करना है, आपके डैशबोर्ड पर शो होने लगेगी। अगर नहीं शो हो रही है तो उसका मतलब ये है कि आपको सेकेंड और थर्ड राउंड का वेट करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जैसे ही आपको सीट मिल जाती है तो सबसे पहला काम आपको करना है एक्सेप्ट करने का। अगर आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा और आप एडमिशन प्रोसेस से तुरंत बाहर कर दिए जाओगे। आपको एक्सेप्ट करने की भी एक डेडलाइन दी गई है जिसमें 4 अगस्त 2023 शाम को 4:59 तक आपको सीट एक्सेप्ट करनी है। और जैसे ही आप सीट एक्सेप्ट करते हैं तो कॉलेज के पास नोटिफिकेशन जाता है डॉक्यूमेंट अप्रूवल के लिए, तो कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा। देखिएगा कि इस बीच कॉलेज आपको कोई क्वेरी भी सेंड कर सकता है और उस क्वेरी का आपको रेस्पॉन्ड करना है। क्वेरी का आपको कैसे पता चलेगा? आपके पोर्टल पर ही पता चलेगा। आप अगर विद इन द डेडलाइन उस क्वेरी को रेस्पॉन्ड करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल आ जाएगा और आपका कैंडिडेट रिजेक्ट, आप एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि जैसे ही कॉलेज आप कोई भी क्वेरी जनरेट करता है तो आप उस क्वेरी का रेस्पॉन्ड तुरंत कर पाएं, और जो भी कुछ भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत मिलती है या कुछ भी ऊपर नीचे मिलता है तो आप उसको सही करके वापस से सबमिट करें। तीसरी बात यह रहेगी कि आपको एडमिशन फ़ी जरूर पे करनी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है नोटिफिकेशन में कि लास्ट डेट ऑफ़ दी ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फ़ी बाय दी कैंडिडेट वो रहेगी 6 अगस्त 2023 शाम को 4:59 तक। तो देखिए, हर एक चीज़ की एक डेडलाइन निर्धारित कर दी गई है पहले से ही, तो आप इस डेडलाइन को जरूर से जरूर मीट करें। अगर आप इस डेडलाइन को मीट नहीं करेंगे तो आप एडमिशन प्रोसेस से बाहर कर दिए जाएंगे। तो आपने जैसे ही एडमिशन फ़ी पे करी तो आपने अपनी सिक्योर कर ली उस पर्टिकुलर कॉलेज या कोर्स के लिए अपनी सीट। फिर आपको अपग्रेड और फ्रीज की प्रक्रिया पर जाना है। अगर आपको लगता है कि आपको ये सीट मन पसंदीदा सीट है आपकी, ये तो आप उसको फ्रीज कर दीजिए, अदरवाइज अपग्रेड करके सेकंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग का भी हिस्सा बनिए। इस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिजेक्शन प्रोसेस से, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जितने बच्चों को एक्सेप्ट करती है उससे कहीं ज्यादा बच्चों को रिजेक्ट भी करती है। थैंक यू वेरी मच।